हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रेमोसेंशिया। माय नेम इज़ जसविंदर जसल और आज हम करने जा रहे हैं लिपिड्स। तो सबसे पहले लिपिड्स में आ जाती हैं फैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे होती हैं सॉलिड। फिर इसमें आ जाते हैं ऑयल्स जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। और लिपिड्स में आता है वैक्सेस, ठीक है, जैसे हनी वैक्स है, हनी अबी वैक्स है, और जिससे कैंडल्स वगैरह भी बनती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं स्टीरोज की, जैसे कि कोलेस्टेरॉल जो कि हमारी जो ब्लड वेसल में जम जाता है। इसके अलावा अगर कुछ पिगमेंट की बात करें, टमाटर की लाइकोपीन, कैरेट की कैरोटीनॉइड्स और कुछ विटामिन्स वगैरह, ये सारे के सारे आ जाते हैं फैट्स में, ठीक है जी। अब लिपिड्स के डाइवर्स फंक्शन एंड डाइवर्स स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये पहले आ जाते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है जी। फिर हमारे आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड और फिर इसमें आ जाता है हमारा कोलेस्टेरॉल, ठीक है जी। तो अगर हम देखते हैं कि ये डाइवर्स केमिकल स्ट्रक्चर हैं तो क्या चीज़ है, कौन सी डेफिनेशन बनाए के सारे लिपिड्स एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। तो वो जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है सॉल्युबिलिटी के। जो हमारे लिपिड्स होते हैं, जो डेफिनेशन है लिपिड्स की, दे आर वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये हमारा वो एक्सपेरिमेंट है जो हम रोज़ ही खुद ही कर लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, देखिए जी, जैसे मेरे जैसा बंदा सिटी में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं। सिटी का शेड्यूल कि दूध लेना है हमने टोंड फैट फ्री, पर गांव बीच में हमारे आ ही जाता है कि दूध गर्म करके उसमें दो चम्मच घी के डालिए। तो जब हम गर्म दूध में घी डालते हैं, देसी घी डालते हैं, उसे हम घोलने की कोशिश भी करें तो हम देखते हैं कि यह घुलता नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सारा का सारा कि यहाँ ये जो सारे हैं ये बबल्स बन गए हैं, ठीक है, ये ऊपर ही फ्लोट करेगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इसको बढ़ाते हैं। हमें मटेरियल क्या चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए हमें, तो उसके लिए चलते हैं, मटेरियल कलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। ये मेरे आसपास ही एक मुझे याद आ गया, हमारे पास एसीटोन ईथर्स वगैरह तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन पेट्रोल है। तो ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं पेट्रोल थोड़ा सा। अब देखिए हमारे पास हो गए दो मटेरियल, एक तो हो गया हमारा वाटर, ठीक है जी, ये हमारा हो गया वाटर। ये जो हमारा वाटर है इसमें हम डिसॉल्व करके देखते हैं फैट को, ठीक है जी। ये मैंने फैट घोल के कोशिश करी है, जैसे आपने देखा है कि वही बबल्स बन रहे हैं और पूरी तरह इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है जी, इसको देख लीजिए। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये फैट का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि ये इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है जी, बबल्स ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ मैं देखता हूँ, ये है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो हमने पेट्रोल लिया था। अब इसमें जब मैं फैट को डिसॉल्व कर रहा हूँ तो ये देखिए जाते ही बिल्कुल मिक्स हो गई है इसमें, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। अब दूसरी चीज़ ट्राई कर लेते हैं हम, उसमें हमें क्या करना है कि हम लेते हैं सरसों का तेल, क्योंकि हमने फैट और ऑयल्स की बात करी थी, तो ये हमने इसमें मिक्स कर दिया सरसों का तेल और हमने देखा फिर पहले की तरह बबल रह गए। इधर हमने इसमें मिक्स करा है सरसों का तेल और जाते ही पूरा का पूरा घुल गया, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा क्राइटेरिया जो हम डिसाइड करता है, दोनों चीज़ों को कंपेयर करिए, ठीक है। अब बात करते हैं जी सोर्सेज की। तो सोर्सेज में ये हमारा जी घी है, ठीक है जी, देसी घी है हमारा, ये हमारा मक्खन हो गया, और फिर एक और चीज़ है क्या, हाँ बिल्कुल, चीज़ जो कि हमारा फेवरेट है, ठीक है, और हमारा कुकिंग ऑयल है। एंड फिर अगर हम मीट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमें दिख रहा है जो वाइटिश पार्ट है सारा का सारा, ये हमारा क्या हो गया, ये भी फैट है। बाकी जो एग में एग योक है येलोइश पार्ट, वो भी फैट में आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो डाइवर्स ग्रुप हैं, तो ये सारे के सारे हमारे लिपिड्स में आ जाते हैं। अब हम करेंगे ये सभी का डिटेल में स्ट्रक्चर, ठीक है जी, थोड़े से फंक्शन जान लेते हैं।
ये हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नियर अबाउट 50 ग्राम्स हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, 50 ग्राम, क्योंकि ये फॉर्म करना चाहिए हमारा मेजर पार्ट ऑफ कैलोरिक वैल्यू। 10 से 25% जो कैलोरिक वैल्यू है वो फैट के थ्रू पूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। ये थी जी हमारी लिपिड की इंट्रोडक्शन। अब करने जा रहे हैं हम स्ट्रक्चर आगे वाली वीडियो में। स्टे ट्यून, थैंक्स अ लॉट।